हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में हम लोग वोकेबलरी का शो चलता है हमारा डेली नाइट डोज के नाम से। 10 मिनट में 50 वर्ड्स चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जितने लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेशन, ठीक है। ये करीब हमारा एपिसोड नंबर जो हमारा सेशन होने वाला है ये, ठीक है, ये एपिसोड नंबर लगभग 20 होने वाला है, 21 होने वाला है, क्योंकि 20 मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, ठीक है। आज हमारा 21 होने वाला है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें एक QR कोड दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग उसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वाला राज पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है जिसमें आपको पेज फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सवाल के फॉर्म में हम लोग करेंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, टिकल्ड पिंक, ठीक है। टिकल्ड पिंक मतलब क्या होता है? तो टिकल्ड पिंक और पिंक का मीनिंग अक्सर क्या होता है गाइस? पॉजिटिव मीनिंग होता है, ठीक है। पिंक कलर का मीनिंग जो भी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और टिकल्ड का मिंग कम टिकल्ड पिंक का मतलब क्या होता है? वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड। टू बी वेरी प्लीज्ड और अम्यूज्ड मीन्स बहुत खुश होना, अम्यूज होना, ठीक है। टिकल्ड पिंक कहलाता है। देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टू बी वेरी हैप वेरी प्लीज्ड और अमोस्ट, ठीक है, हम लोग कहते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अगर इफ़ यू आर टिकल्ड पिंक यू आर हैप्पी देन यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ठीक है। तो क्लास को लाइक करते जाएंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि क्लास अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आप चलते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, क्या है? अ येलो स्ट्रीक। अ येलो स्ट्रीक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इट मींस दे आर, आपको बताना है क्वेश्चन के फॉर्म में। इसी तरीके से गाइस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि येलो कलर किसी को पसंद नहीं आता है। येलो येलो हम लोग कहते हैं ना, डर्टी फेलो, तो इस केस की नेगेटिव मीनिंग दे रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो येलो येलो डर्टी फेलो का मीन्स क्या होता है? मीनिंग हमारा नेगेटिव दे रहा है, तो कवर्डली हो जाएगा, डरपोक, ठीक है। तो अ येलो स्ट्रीक बोले तो डरपोक, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स, नेगेटिव मीनिंग है, जो नज़दीक जो डरपोक है उसे हम लोग कहते हैं। आगे चले, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप लोग आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। सी द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका, सी द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, इट मींस व्हाट, क्या होता है इसका? रोज कलर्ड ग्लासेस का मतलब क्या होता है आप लोग को बताना है फटाफट एकदम। रोज कलर ग्लासेस आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप लोग रोज कलर ग्लासेस आप लोग पहनते हैं, दुनिया हम लोग को क्या पिंक पिंक दिखती है। और पिंक मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अभी जैसे कि मैंने बताया वो पॉजिटिव मीनिंग देती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू व्यू थिंग्स इन अ वेरी ओवरली एंड ऑप्टिमाइज अ नाइफ मैनर, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग रोज कलर सी द, ठीक है, टू सी द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर ग्लासेस, इट मीन्स टू व्यू थिंग्स इन अ वेरी ओवरली एंड ऑप्टिमिस्टिक और नेटिव नाइव मैनर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर है, आउट ऑफ द व्यू, ठीक है। इडियम्स में फ्रेंड्स जो ब्लू कलर होता है वो हमेशा हम लोग को निगेटिव मीनिंग देता है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग।
ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? अचानक से। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अचानक से हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है, अचानक से हो गया। एक्सपेक्टेडली, रेयरली, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल चलते हैं हम लोग, ये रहा आपके स्क्रीन पर टू हैव अ गोल्डन टच। टू हैव अ गोल्डन टच मीन्स वॉट? गोल्डन टच का मीनिंग आपको बताना है फ्रेंड्स। हैव अ गोल्डन टच का मीनिंग क्या होता है आपको फटाफट आपका इसका आंसर देना है। टू बी, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ए बी सी डी। टू बी एबल टू मेक अ थिंग्स टर्न इन टू द गोल्ड एंड टू बी वेरी लकी एंड टू बी एबल टू मेक एवरी थिंग सक्सेसफुल एंड टू बी नॉस्टैल्जिक। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, ऐसा होता है कि अगर हम लोग कहते हैं ना किसी को कि अगर अगर कोई चीज़ पर अगर हाथ लगा दे तो वो हमारी सोना बन जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, तो टू बी एबल टू मेक एवरी थिंग सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिस चीज़ पे हाथ रख दे दैट मीन्स वो उसका, कहने का मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 16 नंबर और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट इन द आइडोमेटिक टर्म एंड ऑफन रिफर्स टू। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि क्या होगा फ्रेंड्स। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग क्या होता है? अरे दैट मीन्स व्हाट होता है कि इसका फोटो कॉपी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ लिखित में, कहने का मतलब। गिव दैट थिंग दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप से बेसिकली हम लोग रिटन के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? अ टाइप ऑफ डिजर्ट, ऑप्शन नंबर समथिंग क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, समथिंग क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, क्लास को लाइक करते चलो सारे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा गो ग्रीन। ठीक है, क्या कह रहा है आंसर क्वेश्चन फ्रेंड्स? गो ग्रीन, दे आर लाइकली सजेस्टिंग यू अर्थ इन्वायरमेंट डे में आप लोग देखे होंगे गो ग्रीन करने का। ठीक है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स सामने वाला? इफ़ समवन टेल्स यू टू गो ग्रीन दे आर लाइकली सजेस्टिंग यू। ठीक है, तो गो ग्रीन का मतलब क्या होता है फटाफट आप लोग बताएंगे। ठीक है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कचरा ना फैलाएं, इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, गो ग्रीन का मतलब ये होता है। टू अडॉप्ट इन्वायरमेंट एंड फ्रेंडली एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, टू बी इन अ ग्रे एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, टू बी अ ग्रे एरिया, ऐसे स्पेसिफिक कलर जो होता है फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि वो ब्लैक या फिर वाइट को माना जाता है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक अलग ही मीनिंग दिया हुआ है ग्रे कलर। तो ग्रे कलर का मतलब क्या होता है आपको बताना है फटाफट। ठीक है, ग्रे, ग्रे एरिया का मीनिंग क्या होता है? टू बी इन अ ग्रे एरिया, ठीक है, टू बी इन अ सिचुएशन वेयर थिंग्स अरेंट एंड क्लियर डिफाइंड। ठीक है, वैसा सिचुएशन विच इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड वी कैन से दैट, ठीक है, ग्रे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, अ सिल्वर टंग लिखा है फ्रेंड्स, क्या होगा? समवन हैज़ अ सिल्वर टंग। और फ्रेंड्स यहाँ सिल्वर का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है, सिल्वर टंग मतलब कि वो कोई भी इंसान है जो कि बहुत ही सच सच बोलता है। ठीक है, और बोलता वो उससे है कि जो बहुत ही सच बोलता है और जो लोग बहुत तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी चांदी की बातें सुनकर लोग उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसकी बातों को सुनकर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, मान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिल्वर टंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हम लोग कह सकते हैं स्पीक इलोक्वेंटली एंड प्रिसिवली, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, रेड टैप। ठीक है, ये बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर? रेड टैप कॉमनली रेफर्स टू गिव, एंड रेड टैप का मतलब क्या होता है? स्पीड अप, फटाफट आप लोग इसका जवाब देंगे फ्रेंड्स। रेड टैप बहुत ही कॉमन एडियम्स है, आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा इसका।
ठीक है। रेड टैब का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेड टैब का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फॉर्मैलिटी, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मेलिटी इसको हम लोग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आज आप लोग का आज का असाइनमेंट क्या है, आप लोग सोच के बताओगे कि रेड टेप को हम लोग आप लोग किस चीज़ से रिलेट करके याद कर सकते हो। जो चीज़ आपको दिमाग में याद आए आप लोग उसको कमेंट करके बताना है फटाफट, ठीक है। और मैं इसका नेक्स्ट क्लास में आपको इसका बताऊंगा क्या होगा, तो आप लोग बता देंगे पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग बताएंगे कि रेड टैप को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं क्लास में। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इंग्लिश वाला राज के नाम से, जो हमारा चैनल है। पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कर जाना, ठीक है। और हमारा और भी बीएसएससी का सेशन जो चल रहा है, जिसमें हम लोग बिग बूस्टर के नाम से एक बीएसएससी का सेट चला रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें अभी साइंस चल रहा है, उसके बाद फिर उसमें ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, और सारा का 50-50 क्वेश्चन 15 मिनट में आप लोग को, या फिर 15 या 10 मिनट में आप लोग को मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जरूर से ज़रूर देख लेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।